हमारे मनोगत विचार, संस्कार, अभ्यास, जीवन की आदतें एक प्रकार से जीवन में परिणाम लेकर आती हैं। जो भविष्य में घटित होने वाला है वह हमारे संस्कार, विचार और हमारे कर्मों का ही फल तो हमारे हाथ लगे कर। इसलिए अपने मनोगत विचार, भाव, संवेदनाओं के प्रति सजग रहें, मन में सस्ते विचार न आए, विषयों के प्रति सजग रहें, कहीं हमारे भीतर तात्कालिक आकर्षण पतन की ओर हमें न धकेल दे, कहीं थोड़े सुख सम्मान और थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ी सी जय और कुछ अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए हम सत्य पथ से विलग और विचलित न हो जाए, अलग न हो जाए। इसलिए जो सामने आकर्षण आते हैं, प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभन और आकर्षणों में सावधान रहना होगा, और विशेषकर अपने मनोगत भाव, विचार और आकांक्षाओं के प्रति, क्योंकि हमारी इच्छाएं और कामनाएं हमें उस ओर ले जाती हैं जहां जीवन में केवल अंधकार है और जहां प्रकाश है वह कोई कोई पहुंच पाता है, क्योंकि वह बहुत आकर्षण नहीं है, वह बड़े प्रलोभन नहीं है। सत्य पथ पर रहें, सही रास्ते पर चलते रहें, निसंदेह वह विजय होगा।